हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खाना। तो आज हम आपके लिए लेकर आए चिकन आलू कटलेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 गिलास पानी और इसमें डालेंगे 4 से 5 आलू और इसे लगा देंगे ढक्कन 3 से 4 सीटी होने तक। आलू बॉईल करके रेडी हो चुका है। अब हम लेंगे पैन और उसमें हम डालेंगे चिकन और डालेंगे आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा पानी। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हमें बॉईल कर लेना है। ये बोनलेस चिकन है तो ये जल्दी पक जाएगा और इसे पलटते हुए हमें पकाना है। और यहाँ पे अब हमने लिया है बॉईल आलू, इसके छिलके हमने उतार के इसे अच्छी तरह से मैश कर लिया है। और इसमें हम डालेंगे काली मिरी पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच नमक और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसे रख देंगे साइड में और उसके बाद हम पैन में डालेंगे चिकन। चिकन को हमने बारीक बारीक पीसेस कर लिया है हाथों से और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कटे हुए प्याज, 1 कटे हुए टमाटर, 1 कटा हुआ शिमला मिर्च, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधा चम्मच नमक और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको याद रखना है कि गैस की जो आंच है हमें धीमी रखनी है। और इसमें हम डालेंगे 3 बड़ा चम्मच पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टमाटो केचप का इस्तेमाल कर सकते हो। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये हमारा स्टफिंग बनके रेडी हो चुका है। अब हम लेंगे मैश आलू और उसमें हम डालेंगे चीज़। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मोंजरेला चीज़। और उसके बाद जो हमने स्टफिंग रेडी किया था वो हम इसमें डाल देंगे और ऊपर से हम डालेंगे दोबारा से चीज़। और ऊपर से हमने डाला है ओरिगैनो। अगर आपके पास ओरिगैनो नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। और इनको हम अच्छी तरह से गोल शेप में बंद कर देंगे और फिर हम इसे डीप करेंगे मैदे में। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है अंडा, उसमें हम डीप करके इस पे लगाएंगे ब्रेड क्रम। हमें इसे पलटते हुए ब्रेड क्रम लगाना है। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे तेल में। तो आप देख सकते हैं तेल गरम हो चुका है। और हमें इसे पलटते हुए फ्राई कर लेना है। तो ये कटलेट फ्राई होकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे तोड़ कर बताती हूँ कि ये कैसा है। तो ये डिश आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।